तो जैसा कि देख पा रहे हैं रिनॉल्ट की टिरीबर है, 2020 का मॉडल है, पेट्रोल कार है, गाड़ी चालू है अभी। जैसा कि देख पा रहे हैं गाड़ी चालू है और हमने एसी चालू रखा है। कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए, 5.3 डिग्री सेंटीग्रेड, 5.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ चुका है अभी, और ब्लोअर वगैरह सब प्रॉपर चल रहा है। बस इसका एक ही फॉल्ट है, ये जो फ्लैप देख रहे हैं ना आउटसाइड एयर का, ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। मतलब इसको यहाँ तक आना चाहिए लेकिन आ नहीं रहा है, यहाँ तक ये जो मार्किंग किया हुआ है यहाँ तक आ रहा है लेकिन इस साइड नहीं आ रहा है। तो इसका जो फ्लैप है ना, फ्लैप का जो डक्ट है बाहर साइड दिया है, यानी अपना वाइपर मोटर का जो टैंक रहता है उसमें दिया है। तो चलो हम उसको अब खोलते हैं, खोल के देखेंगे, क्यों ये आधा ही जा रहा है, आधा के बाद घूम नहीं रहा है। तो चलो हम बाहर जाते हैं, उसके लिए मेरे को वाइपर वगैरह खोलने की जरूरत है। तो चलो बाहर आपको खोल के दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर वो जो फ्लैप रहता है आउटसाइड एयर का यहाँ दिया है, तो हमको ये सब क्लिप हो गया, ये सब कॉल पैनल हो गया खोल के, ये दोनों वाइपर का ये खोल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे। कि आप देख पा रहे हैं मैं कॉल पैनल खोल दिया हूँ और आप देख रहे हैं घान कितना पड़ा हुआ है, देख रहे हैं अंदर, ये रही आउटसाइड एयर का फ्लैप अंदर दिया है। तो ये देखो इतना मिट्टी वगैरह जाने के बाद ना इस वजह से वो घूम नहीं पा रहा है। तो चलो फिर हम ये सब मिट्टी वगैरह निकालते हैं, निकाल के फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं इसको पानी वगैरह मार के क्लीन कर दिया हूँ, बिल्कुल देख पा रहे हैं आप कितना फ्रेशनेस हो गया, बिल्कुल चिल ये हो गया, साफ हो गया। चलो फिर हम अंदर जाके देखते हैं ये फ्लैप चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, चलो फिर अंदर जाते हैं। हम इसको फाइनली फिट कर चुके हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फाइनली हम इसको फिटिंग कर दिए, आप अंदर देखते हैं जाकर के। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं फाइनली हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और आपको दिखा देता हूँ, ये प्रॉपर चलने लगा है अभी, देख पा रहे हैं आप प्रॉपर चल रहा है अभी, पहले नहीं चल रहा था। तो हेलो दोस्तों, ये गाड़ी की ज्यादा 2020 का मॉडल है, ज्यादा दिन हुआ भी नहीं है गाड़ी निकल के, फिर भी इतना मट्टी वगैरह बाहर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कितना कचरा वगैरह भर गया था। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो फ्लैप जो है ना बहुत बाहर साइड दे दिया है, यानी ऐसी साइड दिया है कि कोई भी पत्ता वगैरह या फिर कुछ भी डस्ट पार्टिकल डायरेक्ट आकर के वाइपर के मोटर वाइपर टैंक के बाजू में ही जाकर के गिरता है और वही जाकर के धीरे अंदर खींचने लगता है, इसी वजह से जाम हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया क्लीनिंग का प्रोसेस लगभग हर गाड़ियों में, हर मतलब ये वाली मॉडल की गाड़ियों में लगभग 20% गाड़ियों में ये ज्यादातर प्रॉब्लम आता ही है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया क्लीनिंग का प्रोसेस आप भी कर सकते हैं खुद। तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज 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 प्लीज, प्लीज, प्लीज।